हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बिग बॉस के लाइव फीड से एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। वही बिग बॉस के घर से, यानी दोस्तों बता दें कि जो नॉमिनेशन टास्क हुआ था उससे घर से एक और सदस्य घर से बेघर हो चुका है और शिव ठाकरे की पूरी मंडली टूट चुकी है। तो दोस्तों कौन निकल गया है घर से बाहर, तो हम दोस्तों जानने से पहले अगर आप भी एमसी स्टैन को विनर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दरअसल दोस्तों बिग बॉस के घर में जो अभी टास्क हुआ था उस टास्क को लेकर घर में जो तीन नॉमिनेशन हुए थे उसमें बता दें कि एमसी स्टैन से ठाकरे और सुमल तौकीर खान शामिल थी जिसमें सबसे ज्यादा वोट मिले थे। दोस्तों बता दें एमसी स्टैन को, वहीं दूसरे नंबर पर थे सिर्फ ठाकरे और सबसे कम वोट मिलने वाली थी सुमल तौकीर खान। तो दोस्तों बता दें कि बिग बॉस की जो लिस्ट जारी हुई थी उससे साबित हो गया है कि बिग बॉस के घर से यानी सुमल तौकीर खान घर से बेघर हो चुकी है और उनके जाने के बाद अब बिग बॉस के घर में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं जो विनर बनने वाला है। तो दोस्तों बता दें वहीं निमृत को लेकर अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि निमृत के साथ बिग बॉस सपोर्ट कर रहा है निमृत को। तो वहीं बता दें अर्चना गौतम, इस पर अभी लड़ाई झगड़ा होने वाला है बिग बॉस के घर में। और दोस्तों बता दें एमसी स्टैन सबसे नंबर वन पे हैं, वहीं प्रियंका भी लड़ाई में पीछे नहीं हट रही हैं और सारे नियम तोड़ रही हैं। तो घर में कैप्टन बनते ही निमृत अब फिर से ज्यादा लड़ाई करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि घर में अब दो हफ्ते ही बचे हैं, जो ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करता है वही बिग बॉस के घर में नंबर वन पर जाएगा। लेकिन वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो एमसी स्टैन विनर बनने वाले हैं दोस्तों, आपको अभी से हम बता दे रहे हैं। तो आपका क्या है कहना, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एमसी स्टैन जीतेंगे या फिर प्रियंका या फिर निमृत, इन तीनों में कौन जीतने वाला है बिग बॉस के घर में।